अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे और आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपीज़ और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपीज़ हैं। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड पेटीज़ बना रहे हैं और पिज़्ज़ा फ्राइज़। जी पिज़्ज़ा फ्राइज़ आपको पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। जैसे टाइम जाए के बगैर मैंने फ्राइज़ लिए हैं, फ्राइज़ को मैंने फ्राई कर लिया है, मोज़रेला चेडर चीज़, मायनीज, गार्लिक सॉस और थोड़े से ऑलिव और जलापेनोज़ यूज़ करेंगे हम, और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो बहुत ही झटपट बनेंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है वो। और आप बाज़ार से जब परचेज़ करें तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो आप इसलिए घर में ट्राई कीजिए, इसको घर में बनाइए। ये मैंने फ्राइज़ पहले से फ्राई करके रख लिए थे टाइम की बचत के लिए। तो ये मैं प्लेटर में, आप किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं इसको। मैं इसको ओवन में बेक करूँगी, आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो ये तमाम फ्राइज़ को हम इस तरीके से प्लेटर पर फैला देंगे अपने, बहुत झटपट बनेगी और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और आजकल काफ़ी फेमस है पिज़्ज़ा फ्रीज़ा फ्राइज़ जो है, बच्चों के बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो चलिए मैंने इसमें ये ऐड कर दिए हैं सारे फ्राइज़ जो हमने फ्राई किए थे। अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये चिल्ली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ, तो आप गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मायनीज, थोड़ी सी मायनीज ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है आपको तो आप ज़्यादा यूज़ कीजिए, ऐड कीजिए, वरना जो है नॉर्मल आप डालें, जितना आपको टेस्ट जैसे अच्छा लगता है उसके लिहाज से आप ऐड करें। लेकिन घर में बहुत अच्छे और इतने ज़बरदस्त पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनेंगे हमारे। बहुत सिंपल है, फ्राइज़ भी हमारे फ्राई हुए हैं, सिर्फ हमें बेसिकली चीज़ मेल्ट करनी होगी इसमें जो है ना। थोड़ी सी मैं इसमें क्रश जो है चिल्लीज डाली, रेड चिल्ली, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हमने ऊपर से स्प्रिंकल किया है, और इसके साथ ही थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं ओरिगानो, ओरिगानो स्प्रिंकल करेंगे, और ये जलापेनोज़ हैं, ये मैंने घर में बनाई हैं जलापेनोज़ हैं, होम मेड हैं, ये थोड़े से ऊपर से डालेंगे, और ये ब्लैक ऑलिव्स हैं ये ऊपर से डालेंगे हम। ठीक है, और ये मोज़रेला और चेडर चीज़ यूज़ करेंगे, ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, मैंने इसको ग्रेट करके रखा है तो ये नरम हो गई है थोड़ी सी, तो हम इसको ऊपर चीज़ आप अपनी टेस्ट के मुताबिक, अगर जिनको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, और जो नॉर्मल चीज़ खाते हैं तो वो नॉर्मल यूज़ कीजिए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के ऊपर कि आप कैसी पसंद करेंगे। और ये देखें शक्ल से अभी से इतनी यम्मी लग रहे हैं, और जब ये बिल्कुल वो चीज़ इसकी मेल्ट हो जाएगी तो बहुत ही मज़ेदार से जो है ना हमारे बिल्कुल पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे। और इसके ऊपर से जो है ना थोड़ी सी चिकन मैंने बना के रखी थी, चिकन टिक्का बोटियाँ, चिकन टिक्का मसाला आ गए, तो वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी, मैं दिखाना भूल गई थी। तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हो गए, अब हम बना रहे हैं अपनी सेकेंड रेसिपी ब्रेड पेटीज़। ये भी बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्या आपको पता है कि इफ्तार का टाइम बहुत कम होता है। ये मैंने ब्रेड ली थी, ब्रेड के स्लाइसेस जो है मैंने इसको किसी भी, आप किसी भी गोल शेप से कटर से काट सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने इसको काटा है, को ढक्कन से काट लीजिए, कटर है आपको उससे काट लीजिए। और इसके साथ ही एक कप मैंने बॉयल चिकन ली है, सिंपल बॉयल चिकन नहीं है, नमक डाल के सिर्फ बॉयल किया इसको। एक एक खाने चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट यूज़ कर लीजिए। नमक हसबे ज़ायका यूज़ करेंगे, दो खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर हैं, और एक चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई है, और कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, एक खाने का चम्मच हम चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, चिकन पाउडर एक खाने का चम्मच, और दूध यूज़ कर रहे हैं, एक कप से थोड़ा सा कम है, ये हम मिल्क यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं, बहुत आसान और बहुत ही मज़े के हमारे पेटीज़ रेडी होंगे। हमने पैन में दो खाने के चम्मच ऑयल डाला है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो मैंने चिकन बॉयल करके रखी थी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं चिकन इसमें ऐड किए, और काली मिर्च जो भी हम बाकी जितने तमाम मसाले थे, काली मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च अदरक लहसुन का पाउडर चिकन पाउडर, हम सब इसको ऐड कर देंगे, इसमें तमाम मसालों को हम इसमें ऐड कर लेंगे।
और बहुत ही झटपट बनेंगे लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और अच्छा लगता है थोड़ी डिफरेंट डिशेस जो हैं इफ्तारी में हो, न्यू न्यू चीज़ें हो, बच्चों को भी पसंद आती हैं। और फिर ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ और पेटीज़ वगैरह। अब ये देखिए, दो खाने के चमचे जो कॉर्नफ्लोर है वो मैदे में, जो कॉर्नफ्लोर है मैं दूध में डाल के इसको घोल लूँगी, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने दूध में डाल के कॉर्नफ्लोर को घोल लिया अच्छे तरीके से। अभी दूध का जो बैटर है हम इसको उसमें ऐड कर देंगे चिकन के अंदर, और इसको जल्दी जल्दी से हिलाएंगे ताकि इसके कोई लम्स ना बने, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ है इसमें। और इसको अच्छे से ड्राई कर लेना हमने, कि हमारा बिल्कुल टेक्सचर जो है ना, ताकि चिकन और जो दूध और कॉर्नफ्लोर आपस में अच्छे से मिक्स होके चिपक जाए अच्छे से। आपको दिखाती हूँ बैटर किस तरह करना है हमने बैटर। ये देखिए, अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल ड्राई हो गया हमारा। चलिए देखिए, बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम जल्दी से इसको अपने स्लाइसेस पे स्प्रेड करेंगे इस तरह, तमाम बिल्कुल अच्छे तरीके से भर के लगाएंगे। ये देखिए, मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से आपस में वो हो गया है, यकजा हो गए दूध और जो हमने कॉर्नफ्लोर लगाया था। अभी इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे हम, अच्छे से भर के हमने लगाया। ये देखिए कितने झटपट हमारे रेडी हो गए। अब इस तरीके से मैं तमाम जो है वो बना लूँगी। अब ये देखें, दो अंडे मैंने बीट किए हैं और ब्रेड क्रम्स लिया है सिंपल। हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे और फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो देखिए कितने झटपट हमारे पेटीज रेडी हो गए। बस हमने अंडे में बीट डिप किया इसको, अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग करेंगे, इसकी चारों तरफ से अच्छे से कोटिंग करेंगे ताकि जो है वो अच्छे से फ्राई हो हमारे। अब मैं तमाम इस तरीके से कर लूँगी तमाम इसको। अब ये देखिए, मैंने जो है ऑयल गरम करने पहले से रखा हुआ था, अब इसके अंदर हम जो है फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन से कलर्स का फ्राई करेंगे हम। मैं तमाम एक साथ डाल दूंगी, मेरी कढ़ाई बड़ी है तो इसलिए मैं एक साथ सब आ जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, हमारा कलर भी कितना अच्छे से गोल्डन आ रहा है। मैं तमाम एक साथ पलट लूंगी इसको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपीज़। और आपको पता है कि इफ्तार का, देखें फ्राई हो गए, मैं इसको इस तरह से अच्छे से ड्रेन करके निकाल लूँगी कि इफ्तार का टाइम बहुत कम होता है। ये देखें हमारे ज़बरदस्त से चिकन जो है वो ब्रेड चिकन पेटीज जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी और आने वाली अच्छी रेसिपीज आपको मिल सकें। और ज़रूर ट्राई करें, झटपट देखें रेडी हो गए हमारे ब्रेड चिकन पेटीज और पिज़्ज़ा फ्राइज। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।